आजकल स्वच्छ भारत की मुहिम गांव-गांव में चल रही है, लेकिन हमारे तालुके के गांव में जो आरोग्य विभाग में काम करते हैं, उन लोगों के जो रहने के मकान हैं, उनकी परिस्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। उधर बिल्कुल भी स्वच्छता नहीं है और सब गंदगी फैली हुई है। सर्वच रूम मध्ये असतील काय, माझ्या रूम मध्येच आहे पण सर्वच रूम मध्ये असतील। आरोग्य विभाग में काम करने वाले डॉक्टर्स, लैब टेक्नीशियन, इनको जो रहने के लिए मकान दिए गए हैं, वो बिल्कुल भी रहने के लायक नहीं है। महिन्याला आमचे 10% एचआर कटतो, परत मेंटेनन्स 440, परत 300 रुपये एकूण असं 3500 कट होतो, पण रूम त्या मानने काहीच नाही। पण आम्ही कशामध्ये राहतो, पेशंट इथं असतात जवळ जाण्यासाठी, दुसरं काय नाही, आम्हाला काही तर राहायची हाऊस पण नाही आहे, म्हणजे क्वार्टर आहे तशी सोय नाही आहे, जशी पाहिजे तशी पैसे कटिंग होतात, 3-4 हजार कट होऊन सुद्धा काही सोय नाही आहे। तुम्ही याच्यासाठी काही अगोदर दिले का लेटर वगैरे? ऍक्च्युअली कसं असतो, आपल्या ऑफिसला कळवत असतो, ऑफिस मार्फत पत्र लिहायला पाहिजे, तिने ऑफिसर म्हणतात मग भरपूर पत्र वर केले काहीच होत नाही, त्याच्यामुळे भरपूर लोक इथं कोण नाही, डॉक्टर राहत नाही, कोण नाही, सर क्वांटिटी बेस होले मी ते परमट लोक आहेत, मी पण बाहेर नाही आलो। डॉक्टरांनी कुठे राहतात? ते प्रायव्हेट सर, अजून प्रायव्हेट जो हमारे 2400 घंटों हमारी बीमारियों का इलाज करते रहे हैं, मुझे लगता है उनके भी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए और उनका रहने का अच्छे से इंतजाम होना चाहिए, उनके घर में घर भी अच्छे होने चाहिए और अड़ोस पड़ोस में स्वच्छता होनी चाहिए, जिसके कारण वो बीमार ना पड़े और खुश भी रह सके, जिसके कारण वो अपनी ड्यूटी अच्छे से कर सकते हैं। माननीय डॉक्टर नंद कुमार देशमुख, पुणे जिले के DHO, इनको 9422518277 इस नंबर पे कॉल करके हमारी मदद करें। मैं रोहिणी पवार, महाराष्ट्र राज्य के सासवड गांव से, इंडिया अनहर्ड के लिए।